आज हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। इसी बात का एक सिरा ट्विटर से जुड़ता है। 27 अगस्त 2019 की रात से पाकिस्तान में ट्विटर यूजर्स बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स हैशटैग के साथ ट्वीट कर रहे हैं। 28 अगस्त यानी अगले रोज ये ट्रेंड भारत में भी नजर आया। दोपहर बाद तक हैशटैग भारत में टॉप 5 पर पहुंच गया और कुछ देर बाद नंबर 1 पर। 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए। पाकिस्तान कश्मीरियों के समर्थन के नाम पर नित नए प्रयोग करता है। 5 अगस्त के बाद से वो ट्रेनें बंद कर चुका है, सुरक्षा परिषद में जाकर देख चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने हाथ फैलाकर देख चुका है, पर उसकी दाल नहीं गली, तो अब ट्विटर का सहारा ले रहे हैं। इस ट्रेंड के पीछे पाकिस्तान के लोग हैं, ना कि वहां की सरकार। लेकिन लाजमी है कि इमरान खान इस ट्रेंड को देखकर खुश होंगे। लेकिन क्या इस ट्रेंड को पाकिस्तान की सफलता माना जाए? भारत का सामान पाकिस्तान में बायकॉट होने से भारत को कितना नुकसान होगा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। पर पहले आपको बता दें कि ट्विटर पर कोई टॉपिक ट्रेंड कैसे होता है, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। पहला सवाल, ट्विटर कैसे तय करता है कि क्या ट्रेंड होगा क्या नहीं? हैशटैग किसी एक टॉपिक पर किए जा रहे ट्वीट बटोरने का काम करता है। आप हैशटैग पर क्लिक करें, उस टॉपिक पर किए गए सारे ट्वीट एक जगह पा सकते हैं। ट्विटर एक सोशल मीडिया कंपनी है, वो अपने काम से पैसे बनाती है। कैसे बनाती है ये उसका ट्रेड सीक्रेट है, इसलिए ये दावे से बताना मुश्किल है कि कोई टॉपिक ट्विटर पर ट्रेंड कैसे करता है। ट्विटर इतनी बात सार्वजनिक तौर पर बताता है कि ट्रेंड एक ऑटोमेटिक एल्गोरिदम से तय होता है, यानी एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। पर ऑटोमेटिक होने का मतलब ये नहीं कि ये सबके लिए समान होता है। ट्विटर के ट्रेंडिंग टॉपिक टेलर्ड होते हैं, यानी आपकी पसंद के मुताबिक जाते हैं। आपको नजर आने वाला ट्रेंड इन कुछ चीजों पर आधारित होता है। पहली चीज कि आप कितने लोगों को फॉलो करते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज, आपकी रुचि किन चीजों में है, आपकी पसंद के इर्द गिर्द के टॉपिक ट्रेंड हुए तो आपको नजर आएंगे। तीसरी चीज, आपकी लोकेशन। ट्रेंड का ताल्लुक एक खास लोकेशन से होता है। आप चाहें तो अपने शहर का ट्रेंड देखें, या अपने देश का, या फिर किसी और देश का। भारत का सामान पाकिस्तान में बैन हो जाए तो भारत को कितना नुकसान होगा? ठोस बात, ट्रेंड से इतर। ट्विटर पर भारतीय कंपनियां जैसे अमूल, डाबर, एमडीएच वगैरह के प्रोडक्ट बैन करने की बात हुई। कुछ लोगों ने भारतीय चैनलों जैसे बिग मैजिक, कलर्स, डीडी नेशनल को बैन करने की बात भी कही। लेकिन कायदे की बात, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार लगातार कम हुआ है। ईटी की खबर के मुताबिक पिछले बरस दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 1178 करोड़ रुपए का था। जून 2019 में ये गिरकर 754 करोड़ पर आ गया। पाकिस्तान लगातार भारत से व्यापार खत्म करने की बात करता है। ऐसा ही चलता रहा तो आंकड़ा और नीचे आएगा, और जाहिर सी बात है कि नुकसान पाकिस्तान का होगा। मसलन ये एक आंकड़ा, इसको देखिए। 26 जून 2019 उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, इसने एक प्रेस रिलीज जारी की। इसके मुताबिक भारत दुनिया को हर साल तकरीबन 34,59,000 करोड़ का सामान बेचता है, यानी 34,59,000 करोड़ से ज्यादा का। अब देखिए पाकिस्तान के बीच कितना कारोबार होता है, जितना बताया उसको अगर प्रतिशत में निकालें तो रकम निकलेगी महज 0.02%। आई रिपीट, 0.02%। 754 करोड़ रुपए का घाटा भी घाटा होता है, लेकिन ये वो घाटा नहीं है जो भारत को महसूस होगा। पर महसूस तो होगा, किसे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछिए। 23 अगस्त 2019 को एक खबर आई थी, आपको जाननी चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, क्योंकि उसने आतंकवादी संगठनों को फायदा पहुंचाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक नहीं लगाई। यानी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने यह माना कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों के लिए जो मददगार चीजें हैं उन पर काबू नहीं कर रहा।